आई होप कि आप सब ठीक होंगे एंड भगवान की कृपा से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। इसलिए मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आई हूँ आज, जो कि है ग्रीन लीफ प्योर एलोवेरा स्किन जेल का। आई होप कि आप ये देख पा रहे हो। ओके, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके पैकेजिंग की। तो ये स्मॉल टब में आता है, बहुत ही क्यूट से टब में, देखो कितना छोटा सा है ये। और इसका स्क्रू कैप है, ठीक है, घुमाने वाला जो होता है वाइट कलर का। और ट्रांसपेरेंट बॉटल है, तो आपको पता चलता है कि आपका कितना प्रोडक्ट अभी बाकी है, तो ख़त्म होने से पहले आप न्यू प्रोडक्ट ला सकते हो। और मतलब लीकेज का कोई भी चांस नहीं है, लीक होने का प्रोडक्ट स्क्रू कैप है तो बहुत अच्छे से फिट होता है ये। आप इसे कहीं भी आराम से कैरी कर सकते हो, इसकी इतनी छोटी सी बॉटल है, कहीं भी आप बिल्कुल इसे ट्रैवल में कैरी कर सकते हो। बात करते हैं इसके प्राइसिंग की। तो ये 60 ग्राम की बॉटल है, जो मैंने 60 रुपीज़ में ख़रीदी है लोकल केमिस्ट स्टोर से। एंड आप इसे ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हो, ऑनलाइन भी फ्लिपकार्ट, 1mg, अमेजोन पे भी अवेलेबल है। इसमें बहुत बड़ा वाला पैक भी आता है, 500 ग्राम, 100 ग्राम का भी आता है, आई थिंक 120 ग्राम का आता है और 500 ग्राम का आता है। ऑनलाइन आप ऑर्डर कर सकते हो, मतलब लोकल प्राइस जो है उससे आपको कम में ही मिलेगा। डिस्काउंट्स तो ऑलवेज ऑफर्स चालू रहते हैं ऑनलाइन पे, आप इसे ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हो। इसकी कंपोजिशन की बात करें, इंग्रेडिएंट्स की बात करें, तो इसमें एलोवेरा जेल है 90% होगा कुछ, एंड बाकी सब तो प्रिजर्वेटिव्स एंड ऑल, ऑफकोर्स इसमें प्रिजर्वेटिव्स लगेंगे इसको ज़्यादा देर तक टिकाने के लिए। बाकी इसमें कुछ भी नहीं है, थोड़े बहुत केमिकल्स होंगे, बाकी तो ये मुझे लगता है नेचुरल है पूरी तरह। तो अब मैं आपको बताती हूँ ये प्रोडक्ट कैसा है, और इसका स्मेल तो ऑफ कोर्स एलोवेरा जैसा ही होगा, एलोवेरा है तो। और मतलब स्मेल तो काफ़ी अच्छा है, इसको लगाने के बाद थोड़ी देर तक रहता है जो भी है, ज़्यादा टाइम तक कोई प्रोडक्ट का तो स्मेल नहीं रहता। क्या मैं प्रोडक्ट बताती हूँ, मैं हमेशा ऐसा हाथ से नहीं निकालती हूँ, ओके, बिकॉज इसको हाथ से निकालना भी नहीं चाहिए। आज आपको सब दिखाने के लिए निकाल रही हूँ कि, तो ये देखो ट्रांसपेरेंट है एलोवेरा जेल। कैन यू सी दिस? ओके, तो मैं ये आपको लगा के बता दी फेस पे। अभी ये काफी ऑयली लग रहा होगा, लेकिन थोड़े टाइम बाद ये चला भी जाएगा, तब ड्राई हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा पूरे स्किन में। मैं इसको थोड़ा सुखाती हूँ, सूखने के बाद ये पूरा ड्राई हो जाएगा। गाइस आप देख सकते हो अब ये ड्राई हो चुका है, नहीं पता चलता ये लगाने के बाद, पूरा ड्राई हो जाता है, ऐसा ऑयली भी नहीं लगता, चिपचिपा भी नहीं लगता, बहुत ही लाइट वेट लगता है आपको ये फेस पे, थोड़ा शाइन भी आता है। इसको आप किसी मेकअप के बेस की तरह भी यूज़ कर सकते हो मेकअप लगाने से पहले। मैंने तो यूज़ नहीं किया, लेकिन कई लोग यूज़ करते हैं, मेरे फ्रेंड्स यूज़ करते हैं, जो भी ये जेल यूज़ करते हैं वो इसको मेकअप की बेस की तरह यूज़ कर सकते हैं। कुछ टाइम बाद, थोड़ा टाइम बाद ऑयली हो जाता है फेस, इसकी वजह से पसीना छूटने लगता है। ओके, अब बात करते हैं मेरा रिव्यू इस प्रोडक्ट के लिए। तो मैं बता देती हूँ, मेरी स्किन बहुत ही ऑयली है और सेंसिटिव भी है, तो बहुत कम प्रोडक्ट्स मुझे सूट करते हैं। मैं ऐसी एक केमिस्ट स्टोर पे गई थी कुछ ख़रीदने के लिए, एंड तब मैंने ये बॉटल वहाँ पे देख ली थी, ये वहाँ पर उन्होंने ये रखी थी, तो ये क्यूट बॉटल देख के मुझे इसे ख़रीदने का मन हो गया और मैंने ख़रीद लिया। एलोवेरा जेल मैं हमेशा कभी मैं यूज़ नहीं करती, बिकॉज मेरी स्किन को वो सूट नहीं करता। आई नो बहुत सारे लोग बोलेंगे, अरे यार एलोवेरा तो बहुत अच्छा होता है स्किन के लिए, लेकिन सारी चीज़ें सब लोगों की स्किन पे सूट नहीं करती। किसी किसी की स्किन बहुत ही एक्सट्रीमली सेंसिटिव होती है, उन पर लाइक ये टर्मरिक एलोवेरा ये सूट नहीं करता, तो मैं नेचुरल एलोवेरा नहीं लगाती। तो मैंने सोचा चलो यार ये जेल ट्राई करके देखते हैं, शायद ये सूट कर जाए मेरी स्किन पर। तो फिर मैंने ये 1 month तक यूज़ किया, लेकिन अभी मैं बताती हूँ ये ऑयली स्किन वालों के लिए मुझे नहीं लगता इतना ज़्यादा अच्छा है। कुछ टाइम बाद मैंने जैसे कहा, बहुत कुछ टाइम बाद ये ऑयल आ जाता है आपके फेस पे, पसीना छूटने लगता है और बहुत ही चिपचिपा लगता है। स्टार्टिंग में अभी नहीं लग रहा, जब मैं लगाती हूँ तब बहुत ड्राई लगता है। देखो अभी मुझे कुछ नहीं फील हो रहा, लेकिन कुछ टाइम बाद ये ऑयली हो जाएगा मेरी स्किन।
ऑयली स्किन वाले इसे विंटर्स में यूज़ कर सकते हैं ऑफकोर्स. विंटर्स के लिए तो ये ऑयली स्किन वालों के लिए बहुत ही अच्छा है. ड्राई स्किन वालों के लिए इतना कुछ खास नहीं काम करेगा. नॉर्मल सा मॉइस्चराइजर के जैसे आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन नॉर्मल स्किन वालों के लिए काफ़ी अच्छा है. इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इससे मुझे कोई भी ब्रेकआउट्स नहीं हुए, कोई भी एक्ने नहीं हुआ है. ये सबसे अच्छी बात है यार, क्योंकि मुझे कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद ये एक्ने का ही बहुत टेंशन रहता है, ब्रेकआउट्स हो जाते हैं, लेकिन इससे ऐसा कुछ नहीं हुआ. और ये इतनी छोटी सी बॉटल 60 ग्राम की आराम से आपको 2 महीने निकल जाएगी. इतना प्रोडक्ट तो होता है इसमें, थोड़ा सा भी आप यूज़ करेंगे तो पूरे फेस के लिए काफ़ी है. इसका ग्लो लगाने के बाद कुछ टाइम तक रहता है, अभी आप देख सकते हो, लेकिन उसके बाद इतना कुछ मुझे लगा नहीं. मतलब लॉन्ग टर्म में आपकी स्किन ऐसे कोई ग्लोइंग हो जाएगी या फिर फेयर, थोड़ा सा फेयर हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं हुआ. इससे एक नॉर्मल सा एलोवेरा जेल है, थोड़ा सा मॉइस्चराइजर के तौर पर आप इसे यूज़ कर सकते हो, या किसी बेस मेकअप बेस के तौर पर आप इसे यूज़ कर सकते हो. टेक्स्चर है वो जेल है, तो वो बात एक अच्छी है. जेल टेक्स्चर है तो लाइट वेट थोड़ा लगता है, एंड स्मेल भी काफ़ी नेचुरल है इसका. ये सब सारी चीज़ें इसमें काफ़ी अच्छी है. तो ये स्किन को थोड़ा सा मतलब ना लगाने के बाद आपको कूल फील होगा, बहुत ही ठंडा लगता है, सॉफ्ट भी बनाता है स्किन को. ये सब इसके एडवांटेजेस है ऑफकोर्स. तो माई फाइनल डिसीजन इज़ ये ऑयली स्किन के लिए इतना कुछ खास नहीं है, नो फॉर ऑयली स्किन. नॉर्मल स्किन वालों के लिए ये काफ़ी अच्छा है, आप यूज़ करो. ड्राई स्किन वालों के लिए भी इतना कुछ खास काम नहीं करेगा. तो मेरे तरफ से इसको 3.5 स्टार्स है. ऑफकोर्स थोड़े टाइम के लिए मॉइस्चराइज करता है, ब्रेकआउट्स नहीं हुआ, ये सबसे अच्छी बात है. इसके लिए मैं इसको 3.5 दूंगी. तो आप एक बार यूज़ करके देख सकते हो, शायद आपको सूट करे. सबको हर प्रोडक्ट सबको सूट नहीं करता. तो मिलते हैं अगले वीडियो में अभी, और मुझे आप कमेंट सेक्शन में आपके रिव्यूज़ दे सकते हो कि मेरी वीडियो आपको कैसे लगी, आप मैं इसमें क्या इम्प्रूवमेंट कर सकती हूँ. आप मुझे ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं, एंड मैं वो ट्राई करूँगी कि मैं वो चेंजेस अपने नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर करूँ. तो प्लीज़ गाइज, मेरे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना अगर आपको मेरा ये रिव्यू अच्छा लगा हो. तो ये वीडियो को शेयर करो जिनको इसकी ज़रूरत है, एंड फिर चलो मिलते हैं अगली वीडियो में. तब के लिए, बाय.